हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आईपी कैमरे का कनेक्टर अगर किसी कारण ख़राब हो जाए तो आप उसको कैसे चालू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रीतम प्रैक्टिकल। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बराबर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नॉलेज वाले वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कैमरा जो है कि ख़राब हो गया था इसका कनेक्टर। तो इस कनेक्टर को मैंने कट कर एक पैच कोड के थ्रू कनेक्ट कर दिया हूँ। ग्रीन वाइट ऑरेंज वाइट, ये सिर्फ चार केबल को ही मैंने कनेक्ट किया हूँ। आप देख सकते हैं डाटा और पावर ये कैमरे के लिए मेन होता है, बस इसको मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं, अब हम इसको फटाफट टेपिंग कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं इस टेप के माध्यम से इसको फटाफट हम टेपिंग करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि निकले ना। तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसको चारों केबल को सेपरेट से एकदम अच्छी तरीके से टेपिंग कर लिया है। कैमरा भी आप देख सकते हैं। अब चलिए कैमरे को लेके चलते हैं सिस्टम पर। फाइनली सिस्टम पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, नो वीडियो करके एक विंडो दिख रहा है, इसी की जगह पर हम कैमरा लाइव करेंगे। तो चलिए स्विच में कैमरा कनेक्ट करता हूँ, चार नंबर पर ये कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर लाइट देख सकते हैं चार नंबर पर। अब यहाँ पे देखिए, चार नंबर पर लाइट भी आ गया है। आप देख सकते हैं, मतलब कैमरा हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको भी करना है। ध्यान से वीडियो देखिए। अब हमें पुराने वाले कैमरे का आईपी निकाल कर इसी कैमरे को आईपी देना है, तभी हमारा कैमरा उस जगह पर लाइव होगा। तो चलिए पुराने वाले कैमरे का आईपी देख लेते हैं। 192.168.226.5 ये इस पुराने वाले कैमरे का आईपी है। अब दोस्तों, हमें इस वाले कैमरे का आईपी चेक करना है कि इस कैमरे में कौन सा आईपी है। तो चलिए फटाफट इस कैमरे का भी आईपी देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस कैमरे का आईपी जानने के लिए प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस कैमरे का आईपी दिखा रहा है 192.168.226.218, ये वाले कैमरे का आईपी है। तो इसको हमें चेंज करना है, जो वाले आईपी हम लोग ने देखा था। तो इसको कैंसिल करके बाहर आ जाते हैं। अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि वो आईपी क्या है। लास्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों, सिर्फ पांच अलग है बस, बाकी सब सेम है, पांच नंबर ही अलग है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे, इस वाले कैमरे को जो लास्ट में 218 है इसको पांच कर देंगे। तो चलिए इसको मैं पांच कर देता हूँ। यहाँ पे बाकी सब सेम है, पाँच करने के बाद इसको अप्लाई ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा ये आईपी चेंज हो चुका है। अब हम फिर से देखेंगे। देखिए दोस्तों, फाइनली हमारा आईपी चेंज हो चुका है। कैंसिल करके बाहर आते हैं। अब कैमरा तो लाइव होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तो एकदम मैच खा गया है, आईपी एकदम सेम हो गया है, लेकिन कैमरा लाइव नहीं हुआ है। क्या गड़बड़ हो सकता है दोस्तों? चलिए अब इसका कैमरे का पासवर्ड चेक करते हैं, शायद उसका पासवर्ड इसको देना पड़ेगा। तो उसी जगह पर क्लिक करेंगे इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड है, इसका पासवर्ड मैं दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कैमरा तो लाइव हो जाना चाहिए, चलिए देखते हैं। हो जा दोस्तों, बाकी सब ओके है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, पैच कोड भी प्रॉपर कनेक्ट है, लेकिन तो भी लाइव नहीं हो रहा है। अब एक बार इसको डिलीट करके ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए पहले अब इसको डिलीट करता हूँ मैं। अब इसको डिलीट करने के लिए मेनू में जाएंगे, मेनू पे फिर सेटिंग में आप कैमरे के ऑप्शन में एडिट कैमरा पे जाएंगे। अब यहाँ पे उस कैमरे को सेलेक्ट कर लेंगे जिसे हमें डिलीट करके ऐड करना है। तो चलिए मैं इसको ढूंढ लेता हूँ, कहाँ पर है वो। नहीं मिल रहा है, ये मिल गया, इसको डिलीट करता हूँ। ये हो चुका है डिलीट, ओके। ठीक है दोस्तों, ये डिलीट हो गया। अब बाहर आके अब उसी के जगह पे इसको ऐड करूँगा मैं, यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करके। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आईपी आ गया है। अब इसको ऐड सिलेक्ट करके ऐड करना है। अब यहाँ पे दोस्तों कैमरा अब आ जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये फाइनली हमारा कैमरा आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कैमरा उठा के आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप भी इसी तरीके से करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा एकदम प्रैक्टिकली बताया हूँ, एकदम कैमरा चल गया है। तो चलिए दोस्तों, इसको सही जगह पे यहाँ पे हैंग कर देंगे। यहाँ पर देखिए, नया वाला कैमरा लगाया हुआ है, इसी की जगह पर ये मैं पुराना वाला कैमरा हैंग करूँगा।
जो जो इंजीनियर ने एक ने फॉल्टी मारा था, तो इस कैमरे को मैं उसको लगा दूंगा, ये कैमरा अपना लेके चले जाऊंगा। ये ऐसे टेम्पररी लगाया हुआ था ताकि इनका रिकॉर्डिंग होता रहे। तो इनका कैमरा ये मैं लाइव कर दिया हूँ, अब यही कैमरा मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ, चलिए फटाफट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने कैमरा को खोल दिया है, ये देखिए ये नया कैमरा है, इसका ये कनेक्टर वगैरह सब सही है। उस वाले कैमरे का कनेक्टर ख़राब हो गया था, तो जिसके वजह से मुझे एक अलग से उसमें केबल ज्वाइन करना पड़ा था, पैच कोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कनेक्टर एकदम सही है, यही पानी की वजह से ख़राब हो गया था। यहाँ पे देखिए ये पुराना वाला कैमरा है, इसको अभी यहाँ पर मैं फ़िटिंग करूँगा, तो चलिए फटाफट फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने पुराना वाला कैमरा एकदम अच्छी तरीके से टेप मार के इसको कनेक्ट कर दिया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इसको मैं फ़िक्स कर देता हूँ फटाफट। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, इसको फटाफट फ़िक्स करके लाइव भी चेक करना है वहाँ पर। यहाँ पे देखिए मैंने इसको हैंग कर दिया हूँ पुराने वाले कैमरे को प्रॉपर तरीके से एकदम फिट करके। अब वहाँ पर चलते हैं लाइव, देखते हैं कि किस तरीके का व्यू आ रहा है, कि दोबारा आना ना पड़े। यहाँ पे आप देख सकते हैं नया वाला कैमरा यहाँ पर मैंने निकाल के रखा हूँ, इसका देखिए कनेक्टर ये सही है, पुराने वाले कैमरे का यही कनेक्टर ख़राब हो गया था। ये आप देख सकते हैं पानी की वजह से ये ख़राब हो गया था, तो मैंने इसको कट कर कर इसके जगह पे पैच कोड लगाया हूँ, तो आप भी ऐसे ही करिएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कैमरा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखिए कैमरा लाइव हो गया है, क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो गए हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।